गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इन साइंस चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में कल आपने एक पेज रीड किया होगा और उसमें दो क्वेश्चंस थे जिसका आंसर आपने दिया पीडीएफ में। इसमें दो क्वेश्चन थे कि व्हाट इज क्रॉप्स और आपने देखा एक क्वेश्चन था वेयर डू एनिमल्स गेट दियर फूड फ्रॉम। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको हो गई होगी। आगे के पेज को स्टार्ट करने पहले इस पेज की लास्ट लाइन आप देख सकते हो, लिखा गया है कि यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। आप जानते हैं कि क्रॉप्स जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जिसमें सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इसको अलग अलग सीजन के बेस पे क्लासिफाई भी किया गया है। तो अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू बोर्ड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड दीज आर। ओके, तो इसमें टू वैरायटी की फसल, पहली है आपकी खरीफ क्रॉप्स और दूसरी आपकी है सेकेंड रबी की क्रॉप्स। तो खरीफ की क्रॉप्स जो है वो मेनली दीज क्रॉप्स विच आर सोन इन दी रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, जो रेनी सीजन में स्टार्ट होती है। ऐसा कह सकते हैं आपके इंडिया में ये जून से सितंबर तक की जितनी क्रॉप्स होती है उसमें क्या होते हैं, खरीफ की क्रॉप्स होती है, जिसमें आप पैडी, मैज और सोयाबीन्स और ग्राउंड नट और कॉटन ये सारी एग्जांपल्स हैं। ओके, रबी की क्रॉप्स में क्या है, तो दीज क्रॉप्स ग्रोन इन दी विंटर सीजन, मींस अक्टूबर से मार्च के बीच में जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है उसको रबी की क्रॉप्स के श्रेणी में सीरीज में रखते हैं। इसके इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, जैसे व्हीट है, ग्राम, पी, मस्टर्ड और सारी चीज़ें, लिन सीड्स की जितनी भी होती हैं वो सारी फसल्स हैं। ओके, तो आपको पता हो गया खरीफ की क्रॉप्स और रबी की क्रॉप्स। आगे हेडिंग है आपका बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन, कुछ प्रैक्टिस के बारे में है जिसमें लिखा गया है पहला कि कैसे हम अच्छे क्रॉप्स को डेवलप कर सकते हैं और इसका कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जिसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको देखना है, तो इसमें स्टेप्स में आगे लिखा गया है, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं। दूसरा सोविंग, ओके सोविंग है जिसको जो है बीज की सिलेक्शन और बीज की बुआई करते हैं। आगे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, मिट्टी में जो है कैसे हम मैन्यूर और फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं, मिलाते हैं। आगे एरिगेशन, उसकी सिंचाई कैसे कैसे करते हैं हम लोग। आगे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, और जो इसमें वीड्स होते हैं, कहने का मतलब अनवांटेड सीड्स को वीड कहते हैं, उसको उससे कैसे बचते हैं, उसको रिमूव करने के लिए कौन से प्रोसेस करते हैं। फिर हार्वेस्टिंग, तो आपको पता ही है कि कैसे उसकी फसल की कटाई की जाती है, कैसे करते हैं। और लास्ट में जब प्रोडक्शन हो जाता है तो घर में स्टोरेज कैसे करते हैं, इन सब की चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो इस टॉपिक को आप आज आपका होमवर्क है, नंबर वन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, और सेकेंड क्वेश्चन है व्हिच मेथड वी यूज टू प्रिपेयर क्रॉप्स प्रोडक्शन। ओके, तो ये दो क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।
थैंक यू।